बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मुअस्सिस नासरीन किराम अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत से मुतमनी हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने अहल और अयाल के साथ हमेशा शाद और आबाद रखे, सलामत रखे। मुअस्सिस नासरीन किराम, आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि बेनिफिट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ऑन स्किन, स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर जो नबाताती तेल होते हैं उनके कौन कौन से फ़वाद हैं और किस तरह वो एक्शन करते हैं, किस तरह वो अपने असरात जो हैं वो जिल्द या स्किन के ऊपर छोड़ते हैं, तो यही चीज़ है जो डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के अलावा ये ज़रूर आपकी खिदमत में गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो वक्त सिर आपके सामने जो है वो आ जाए और कोई भी वीडियो जो है वो आप मिस ना कर पाएँ। तो ऑयल से जो खुसूसी तौर पर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, नबाताती तेल जो होते हैं, उनमें तीन खुसूसियात मौजूद होती हैं। ये नोट करने की बात है कि तीन इम्पॉर्टेंसेस ऑयल्स की होती हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ ऑयल्स की होती हैं। नंबर वन क्या है, वो ये है कि ऑयल के अंदर जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का ये मकसद है कि कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन का मकसद ये है कि कहीं भी सूजन हो, कहीं भी ज़ख़म हो, कहीं भी स्कार हो, कहीं भी वर्म हो, तो उन सब कंडीशंस में जो ऑयल होते हैं वो बड़े इफेक्टिव और फ़ायदेमंद होते हैं। और हर ऑयल के अंदर तकरीबन जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मौजूद होती है, यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वो इन्वॉल्व हो, फिर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव क्लास का हो या वो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव क्लास का हो या वो बैक्टीरिया जो है एरोब्स या एनएरोब्स के क्लास का हो, तो उन सब बैक्टीरियाज में ऑयल्स जो होते हैं खुसूसी तौर पर जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद होते हैं। और तीसरी जो ऑयल की प्रॉपर्टी होती है वो सूदिंग प्रॉपर्टी होती है। ऑयल जो है वो आपकी स्किन के लिए इस हिसाब से बेहतर है कि आपकी स्किन में अगर ड्राइनेस है, अगर आपकी स्किन में जो है वो खुश्की ज़्यादा है, पफी सी आपकी स्किन है और आप ये क्रैक्स आ गए हैं आपके स्किन में जो है, तो उन कंडीशंस में जो है वो ऑयल सिर्फ आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाता बल्कि जो ऑयल है वो आपकी स्किन में जो है वो एक सूदिंग प्रॉपर्टी जो है वो पैदा करेगा और उस हिसाब से जो है वो आप इजी फील करेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जिस भी वेराइटी का कोई भी ऑयल हो तो उसके अंदर जो है वो तीन प्रॉपर्टीज़ ज़रूर मौजूद होती हैं। तो उस एंगल से जो स्किन कंसर्न्स होते हैं उन लोगों के लिए जो है वो ऑयल खुश एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, नबाताती ऑयल जो होते हैं, उनका इस्तेमाल लाजमी है। उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी तहकीक में या रिसर्च में ये बताते हैं, ओपनली ये बताते हैं कि ऑयल जो है आपकी ड्राई स्किन में जो है बड़ा हेल्पफुल है। ऑयल जो है इवन इस हद तक के अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसमें भी बड़ा हेल्पफुल है, और अगर आपकी स्किन जो है एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नीस पैदा होते हैं आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा खुसूसी तौर पर चेहरे पर, तो उसमें भी ऑयल्स जो हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। तो किसी भी ऑयल को इस्तेमाल करने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है
कि किसी भी ऑयल को इस्तेमाल करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जो करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट हो उसे आप मशवरा ज़रूर किया करें, मशवरे के बाद जो है वो आप ऑयल इस्तेमाल करें। क्योंकि कुछ ऑयल्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सीमा करवाते हैं, स्किन की एलर्जीज़ वगैरह होती हैं, या एक्सीमा में कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, या सोरियासिस की जो स्किन की कंडीशन होती है कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो सोरियासिस में इस्तेमाल नहीं होते, अगर इस्तेमाल करते हैं तो सोरियासिस की कंडीशन जो है वर्स और ख़राब हो सकती है। तो उस एंगल से अगर खुदा न ख्वास्ता एक्सीमा है, खुदा न ख्वास्ता सोरियासिस के आप पेशेंट हैं, तो इन कंडीशंस में आप कॉन्शियसली जो है वो ऑयल को इस्तेमाल करें। और अगर ऑयल के इस्तेमाल से आपके स्किन के ऊपर एलर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, एलर्जी पैदा होती है, तो सबसे पहले इमीडिएटली जो है वो ऑयल को स्टॉप करना चाहिए आपको। क्योंकि नेगेटिव रिएक्शंस जो स्किन के होते हैं वो आपकी सारी बॉडी के ऊपर भी असरात इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर जो है वो असरात कर सकते हैं। तो उस वजह से सबसे पहले पहली फुर्सत में आप उस ऑयल के इस्तेमाल से अपने आप को रोक लें। तो ऑयल के जो बेनिफिट्स स्किन पे होते हैं वो खुसूसी तौर पर, अगर आपकी स्किन के ऊपर स्कार्स बने हुए हैं, कीलोइड्स होते हैं, कीलोइड्स जिस कीलोइड्स के अंदर जो है वो एलर्जी वगैरह होती है, ख़राश ज़्यादा होती है, कीलोइड्स बर्न्स के बाद जो है वो कीलोइड्स बनते हैं, कोई ज़ख़म वगैरह बनता है, स्कार बनता है, स्कार में जब ख़राश ज़्यादा होती है तो कीलोइड बन जाता है, यानी कि एक रिजिड सा सरफेस बन जाता है स्किन के ऊपर जिसको हम कीलोइड कहते हैं। तो ऑयल जो है वो स्कार की अपियरेंस को जो है वो डिसअपियर करने में बड़ा फ़ायदेमंद है, और कीलोइड की जो ज़्यादा जो उभार होता है ऑयल का, अगर मसाज उस आप कीलोइड्स के ऊपर करेंगे तो फिर उसका उभार जो है आस्ता आस्ता कम 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 और ख़त्म हो जाएगा कीलोइड बिल्कुल भी, और उसकी खराश जो है एलर्जी वगैरह जो कीलोइड के अंदर होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। उसके अलावा जो ऑयल हैं वो आपकी स्किन की जो डीजनरेशन है, यानी सेल्स जो हैं आपकी स्किन के वो डैमेज हो गए हैं, आपकी स्किन में वो एक शाइनिंग सी नहीं रही, आपकी स्किन में वो एक अट्रैक्शन नहीं रही, आपकी स्किन के ऊपर जो है वो एजिंग प्रोसेस के असरात जो हैं हद से ज़्यादा हो गए हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो है वो डार्क सर्कल्स जो हैं वो बन गए हैं, आपके फोरहेड के ऊपर लाइनिंग बन गई है, तो ऑयल्स जो हैं उस ऐसी स्किन को जो है वो रीजनरेट करने में, जो सेल डैमेज हो गए, जो सेल डेड हो गए, जो सेल मर गए हैं आपकी स्किन के, उनकी रीग्रोथ करने में, उन सेल्स को रीजनरेट करने में जो हैं वो ऑयल्स बड़े इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद होते हैं। ऑयल्स जो हैं वो आप के स्कार की अपियरेंस को इम्प्रूव करते हैं, और ऑयल्स जो हैं आपकी स्किन की हेल्थ को जो है वो बेहतर बनाने में बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। ऑयल जो है वो आपके स्किन टोन को जो है वो बैलेंस रखने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। ऑयल्स जो हैं वो आपके स्किन की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करते हैं बिल्कुल भी। तो ऑयल्स जो होते हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव हैं। तो ऑयल जो स्किन के ऊपर बड़े फ़ायदेमंद होते हैं उनमें मैं दो तीन ऑयल्स का ज़िक्र ज़रूर करूंगा इधर। सबसे पहले जो ऑयल है जो बड़ा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन के ऊपर, उसको कहते हैं हेलिकायरसम एसेंशियल ऑयल, हेलिकायरसम या हेलिचायरसम जो भी आप कहें ये नाम है उसका तकरीबन। तो ये जो है ये ऑयल जो है ये आपके स्कार की अपीरेंस को रिड्यूस करने में बड़ा इफ़ेक्टिव है। ये ऑयल हेलिकायरसम जो है ये एक एसेंशियल ऑयल है जिसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात मौजूद होते हैं। ये ऑयल जो है बड़ा यूज़फुल होता है हेल्दी स्किन रखने के लिए, ये ऑयल जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद है। हेलिकायरसम जो एसेंशियल ऑयल है
इसके अंदर जो एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस जो मौजूद होता है वो जो है एरसानोल है। एरसानोल सब्सटेंस जो है वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस है इस आयल के अंदर, जो एक अहम पार्ट प्ले करता है, वो अहम प्ले पार्ट करता है आपके वूंड्स को हील करने में, आपके ज़ख़म को ख़त्म करने में, आपके स्कार को डिसअपियर करने में, आपके निशानात को ख़त्म करने में, आपकी छाइयों दागों और धब्बों को जो है वो कम करने में जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो ये हेलिकायरिसम आयल है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी बिल्कुल भी मौजूद है, और वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो एजिंग प्रोसेस में बड़ी हेल्पफुल होती है, और वो जो है आपके सेल्स को, जो आपके सेल्स डैमेज हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, डेड हो गए हैं, उनको रीजनरेट जो है वो करती है, वो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होती है, और प्रिवेंट करती है फ्री रेडिकल्स को अक्यूमुलेट होने में। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को जो है वो फ्रीक्वेंटली डैमेज करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी इस आयल के अंदर वो फ्री रेडिकल्स को वहाँ पर ही रोक लेती है, और आप में एजिंग प्रोसेस वगैरह जो है वो डिले हो जाता है। उसके अलावा ये आयल जो है इसके और भी काफ़ी फायदे हैं। ये स्किन रेशेस अगर हैं तो उसमें बड़ा इफ़ेक्टिव है, ये अगर इन्फेक्शन वगैरह है किसी भी स्किन के पार्ट का उसमें बड़ा इफ़ेक्टिव है। ये आयल जो है वो कोलेजन प्रोडक्ट्स को जो है वो इंक्रीज़ करता है, कोलेजन प्रोडक्शन जो होती है, कोलेजन जो है जब आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसकी लेवल कम हो जाती है तो ये आपकी स्किन जो है वो गिरती है नीचे, इससे स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ जाती है, इलास्टिक हो जाती है, तो उस वजह से जो एज के जो रिंकल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं आपके चेहरे पर, आपके सीने के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर, आपके पाँव के ऊपर। तो ये आयल जो है वो बड़ा बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद है उस कोलेजन को रीप्रोड्यूस करने में, कोलेजन को बेहतर बनाने में, कोलेजन की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करने में। और ये आयल जो है अगर आप रेगुलरली जो है कुछ महीनों तक आप अगर ये आयल इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप इस आयल के जो हैं वो ड्रामेटिक रिजल्ट्स जो हैं अपनी आँखों से देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये आयल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बड़ा फ़ायदेमंद है, और ऑनलाइन ये आयल आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, सारी दुनिया के अंदर ये आयल जो है वो फ्रीक्वेंटली मिलता है, अवेलेबल है। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो लोग जिन्होंने रिसेंटली कोई भी सर्जरी करवाई हो या जिन लोगों के अंदर कोई इंटरनल हेमरेज के चांसेस होते हैं, जिस तरह के CLD के पेशेंट, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हेमरेज हो, तो हेमरेज चांसेस होने वाले जो लोग होते हैं अगर उनमें ये इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं तो वो लोग जो हैं इस आयल के इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। तो हेलिकायरिसम आयल जो है ये एक्सपेंसिव है, दूसरे आयल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उस हिसाब से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन जो है ये आयल मंगवाना चाहते हैं तो छोटी सी बाटल मंगवाएं, छोटी सी बाटल मंगवाएं और उसका इस्तेमाल करके आप देखें, अगर आपको बेनिफिट देता है, अगर आपको फ़ायदा देता है, अगर ये आयल आपको अपनी तरफ खींचता है, आप पसंद करते हैं कि मैं इस आयल को रेगुलरली इस्तेमाल करूं, तो उसके बाद जो है बड़ी बाटल का ख़र्चा जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक आयल है, और उसके अलावा दूसरा आयल जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ इधर, उस आयल का नाम है फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस आयल जो है ये भी एक एसेंशियल आयल है,
और इससे इसेंशियल ऑयल के अंदर एक जो है वो सूदिंग इफेक्ट मौजूद है, स्किन को सूद करता है। इस ऑयल के अंदर जो है स्किन टोन के हिसाब से जो है वो ये ऑयल बड़ा इफेक्टिव है, बेहतरीन एक स्किन टोनर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑयल जो है वो एंटी बैक्टीरिसिडाल यानी एंटी बैक्टीरियल जो है वो रोल प्ले कर सकता है। बैक्टीरियाज जो भी मौजूद होते हैं उनको किल करने में जो है ये ऑयल जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। और उसके अलावा अगर कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से में आपकी खूबसूरती को कम करने के हिसाब से स्कार्स मौजूद हैं और आप उनको ख़राब समझते हैं, तो उन स्कार के ऊपर अगर आप इस ऑयल की रेगुलरली मसाज करेंगे तो वो स्कार्स जो हैं वो भी बड़ी हद तक जो है कम होकर वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये जो फ्रैंकिंसेंस ऑयल है ये आपके स्किन के ऊपर न्यू सेल्स की ग्रोथ में जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। ये आपकी स्किन को टाइट करने में जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। ये ऑयल जो स्कार्स की अपियरेंस है उसको रिड्यूस करने में जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। और इस ऑयल के अंदर एक इंग्रेडिएंट मौजूद है जिस इंग्रेडिएंट को बोस्वेलिक एसिड कहा जाता है। ये बोस्वेलिक एसिड जो है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद होने की वजह से ये ऑयल इसके बीच में ये ऑयल स्किन के रेशेस के ऊपर ये ऑयल जो है स्किन के हर जख्म के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो उससे फ़ायदा हो सकता है। और इस ऑयल का जो इस्तेमाल है ये लगातार आपको कुछ महीनों तक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी ऑयल की जो रिज़ल्ट है अगर वो लेनी है तो कुछ महीनों तक इस्तेमाल करना होगा किसी भी ऑयल का। ये ऑयल मे बी स्किन इरिटेशन करवा सकता है आपको या एब्डोमिनल इश्यूज वगैरह पैदा कर सकता है। अगर एब्डोमिनल कोई इश्यू पैदा हो जाए या कोई स्किन की इरिटेशन वगैरह पैदा हो तो फिलफोर जो है आप इस ऑयल के इस्तेमाल को रोक दें। ये फ्रैंकिंसेंस जो ऑयल है ये कभी भी आप ब्लड थिनर्स के साथ इस्तेमाल मत करें। जिस तरह के हेपेरिन वगैरह ग्रुप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हैं तो आप जो है वो डिस्प्रिन ग्रुप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या क्लोबिडो ग्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ इस ऑयल का इस्तेमाल जो है कभी भी ना करें, क्योंकि ब्लड थिनर के साथ अगर आप इस्तेमाल इस ऑयल का करेंगे तो ब्लड जो है वो आपका और भी थिन हो जाएगा। और तीसरा ऑयल जिसका मैं इधर जिक्र कर रहा हूँ ये है जेरानियम ऑयल, जेरानियम इसेंशियल ऑयल। जेरानियम ऑयल जो है वो स्कार्स में जो है बड़ा यूज़फुल है। ये आपकी इन्फ्लेमेशन सोजन वगैरह को जो है रिलीव करने में बड़ा हेल्पफुल है। ये ऑयल जो है एक बेहतरीन इवनिंग आउट स्किन टोनर है। ये ऑयल जो है वो आपके स्किन के न्यू सेल्स को ग्रोथ करने में जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। ये ऑयल जो है एक एंटी सेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल जो वूंड्स वगैरह होते हैं जो बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, माइक्रोबियल्स की वजह से पैदा होते हैं वूंड्स, तो उनमें जो है वो ये रोल एक एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल जो है वो रोल प्ले करता है। 2013 की रिसर्च के मुताबिक ये जो रोज़ जेरानियम ऑयल है वो तहकीक में ये मेंशन किया गया है कि ये बड़ा इफेक्टिव है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन स्किन के ऊपर मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वगैरह जो स्किन की होती हैं उनमें जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। ये ऑयल कम से कम आपको कुछ महीनों तक जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। जेरानियम ऑयल जो है वो लोग जो हाइपरटेंसिव लोग हैं उनको जो है ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। जेरानियम इसेंशियल ऑयल जो है वो इनएक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा जो है महंगा नहीं है और आप जो है वो बआसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।